आज राजपुर में मुस्लिम सुन्नत जमात के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा थाना परिसर राजपुर में पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान की कुछ आयतों के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए घृणात्मक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में आज राजपुर नगर में मुस्लिम समाज ने थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मुस्लिम सुन्नत जमात के सदर भैयू ने बताया कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान की कुछ आयतों के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए घृणात्मक टिप्पणी की गई, जो समाज में घृणा फैलाने और समाज को बांटने का काम करती है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता है और वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता है। राजपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सदर खलील मोहम्मद मंसूरी, बड़वानी रोड राजपुर का सदर हूँ मैं। एसडीएम आए थे, किस लिए आए थे? एसडीएम कार्यालय हम ज्ञापन देने आए थे वसीम रिजवी के खिलाफ, जो लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व चेयरमैन है, जिसने कुरान शरीफ की 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि ये जो 26 आयतें हैं ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ऐसा झूठा हलफनामा दाखिल किया है जिससे पूरा मुस्लिम समाज, पूरे इस्लाम को मानने वाले पूरे इस्लाम को मानने वाले लोग आहत हुए हैं और बहुत दुखी होकर हर जगह हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और एसडीएम कार्यालय में हमने ज्ञापन दिया है और 3 धाराओं में गिरफ्तारी की मांग की हमने। किसके नाम ज्ञापन दिया होगा? ज्ञापन एसडीएम वीर सिंह चौहान साहब के नाम दिया हम लोगों ने। क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि आईपीसी की धारा 153A, 195A, 124A देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होकर वसीम रिजवी को तुरंत गिरफ्तार करके 10 साल का कठोर कारावास की सजा देना चाहिए।